एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो दो तीन सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं, पहले ये एक दो बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ वेट करो, हाँ धन्यवाद धन्यवाद। पोर्ट्स की बात भी थी, पोर्ट्स की बात भी थी, ये भी सवाल पूछा, ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया, कैसे हुआ? मोदी है तो ये 2014 में, ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में, 609 पीछे बिल्कुल, पता नहीं जादू हुआ दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है, तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी जवाब सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए, प्लीज पोस्टर, माननीय सदस्य पब्लिक में सर, माननीय सदस्य पोस्टर प्लीज, पोस्टर नहीं, पोस्टर नहीं सर, देखिए आप पोस्ट, बैठिए एक मिनट बैठिए, आप पोस्टर बाजी करेंगे तो इधर कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चिपकाएंगे, पोस्टर बाजी के लिए सदन नहीं है, आप बात करें पोस्टर बाजी नहीं, स्पीकर सर वरिष्ठ सदस्य है, स्पीकर सर तो पोस्टर बाजी उचित नहीं है, स्पीकर सर पोस्टर बाजी उचित नहीं है, प्लीज राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सच्चाई है,
चलिए पोस्टर नहीं प्लीज वो लिख दे दो मुझे जस्ट राइट इट नीटली। तो नहीं स्पीकर सर वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसके बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है, उसके उनके उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज प्लीज बताइए तो वो आप बता देना। सो द रिलेशनशिप बिगिन्स मेनी इयर्स अगो व्हेन नरेंद्र मोदी जी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड व्हेन मोस्ट ऑफ इंडियाज बिजनेस वॉज asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. And what did he do? He helped Mr. Modi construct the idea of resurgent Gujarat, right? The idea that you bring these businessmen together and you call it resurgent Gujarat, vibrant Gujarat, they're both, and he was the backbone in setting up that group of people, okay? And the result of that was tremendous growth of his businesses in Gujarat, expansion of his businesses. I think then the real magic starts. Jab Pradhan Mantri ji Delhi aate hain aur 2014 mein asli jadoo shuru hota hai. मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे मैं आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मैं आपको दो तीन इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे देता हूं। एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, देयर वाज अ रूल दैट एनीबॉडी हु डज नॉट हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन एयरपोर्ट्स कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ दीज एयरपोर्ट्स। नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं, ये रूल बदला गया। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी, रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद आफ्टर दैट इंडियाज मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट वॉज टेकन अवे बाय GVK हाईजैक बाय यूजिंग द एजेंसीज। द एजेंसीज को CBI ED का प्रयोग कर
जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट्स में से निकलता है। अब ये काम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फैसिलिटेट किया। हम भी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। चलिए डिफेंस से शुरू करते हैं। बहुत ऑप्शन है, आप बताइए कहां से शुरू करें। बिजली, डिफेंस, बहुत ऑप्शन है। डिफेंस, लेट अस स्टार्ट विद डिफेंस। अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। कल मैंने प्रधानमंत्री को एचएएल में देखा। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि एचएएल का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। वहां भी फैसिलिटेशन था। अब देखिए, और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेनर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल हैं, इनको इसका केस स्टडी, इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए, शायद बने। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी। तो अब देखिए, अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रिफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएएल यह काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इसराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मगर एक नहीं मिलता। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है, ये इंडस्ट्रीज की बात होती है। यहां पे जैसे मैंने आपको दिखाया, एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम उठा के ले गए, 30% मार्केट शेयर एयरपोर्ट में ले गए, वैसे ही डिफेंस में करा। तो चार डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं। ये काम इन्होंने कभी नहीं किया। स्मॉल आर्म्स, जिसमें टावर है जो हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, आर्मी यूज करती है, जिसमें गलील स्नाइपर राइफल है, ये सब अदानी जी बनाते हैं। सीधा स्ट्रेट इसराइल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे, मतलब बीच में पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एमआरओ मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस के लिए। स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है। मतलब जो हिंदुस्तान और इजरायल का डिफेंस का रिश्ता है, वो पूरा का पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है। खत्म कहानी। हाँ, उसमें पेगासस भी है, तो पता नहीं वहां से क्या, मतलब पेगासस कैसे आया, क्या हुआ, किसने दिया। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक कंपनी है अल्फा डिफेंस, जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, एवियोनिक्स का काम करती है और बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी है, वो भी अदानी जी के हवाले कर दी गई। अदानी जी ने अक्वायर कर लिया। तो आपने देखा
कि एयरपोर्ट्स का बिजनेस 30% मार्केट शेयर, हिंदुस्तान और इसराइल का जो वेपन्स का बिजनेस है 90% उठा के ले गए एक विजिट, एक विजिट। फॉरेन पॉलिसी, ये है फॉरेन पॉलिसी। चलिए अब मैंने आपको इसराइल की बात बताई, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। कोयला, ऑस्ट्रेलिया चलिए। ऑस्ट्रेलिया में अदानी जी जाके